खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर मसूद अजहर पर चीन ने दिखा दी है चालबाजी। मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया है। फैसले से कुछ घंटे पहले चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के दुलारे मसूद को बचा लिया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा, हम बिना सबूतों के कार्रवाई के खिलाफ हैं और हमें जांच के लिए और वक्त चाहिए। ये 10 साल में चौथी बार है जब चीन ने यूएनएससी में मसूद अजहर को बचाया है। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों के पास आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 मार्च तक का वक्त था। मियाद खत्म होने के एन पहले चीन ने प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर होल्ड करने की सूचना परिषद को दी। होल्ड की मियाद 3 महीने तक है। चीन अपने तकनीकी होल्ड को 2 बार 3-3 महीने के लिए आगे भी बढ़वा सकता है, यानी 9 महीने का वक्त उसके पास है। 9 महीने बाद अगर चीन चाहे तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को गिरा सकता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के अलावा रूस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इन 5 देशों को वीटो का अधिकार है। अगर कोई एक सदस्य भी वीटो का इस्तेमाल करता है तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। मौजूदा प्रस्ताव के विचाराधीन रहने तक मसूद अजहर को लेकर कोई नया प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में नहीं आ सकता। साफ है कि चीन ने एक बार फिर मसूद को कम से कम 9 महीने के लिए ग्लोबल आतंकियों की फेहरिस्त में शामिल किए जाने से बचा लिया है। देखिए, पहली बार नहीं है जब चीन ने मसूद को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है और चीन की इस हरकत पर भारत ने गहरा दुख जाहिर किया है। चीन ने फिर से हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। देश के सबसे बड़े दुश्मन मसूद अजहर को वो संयुक्त राष्ट्र में फिर बचा कर ले गया। मोदी सरकार ने चीन की चालबाजी पर दुख जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा, एक देश की वजह से जो नतीजा सामने है वो निराश करने वाला है, लेकिन मसूद अजहर के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। हम निराश हैं, लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों पर काम करते रहेंगे ताकि ये तय किया जा सके कि भारतीय नागरिकों पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। हम प्रस्ताव लाने वाले सदस्य राष्ट्रों के प्रयास के लिए आभारी हैं। साथ में सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों और गैर सदस्यों के लिए भी आभारी हैं जिन्होंने इस कोशिश में साथ दिया। कमेटी अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं कर सकी क्योंकि एक सदस्य देश ने प्रस्ताव रोक दिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मसूद अजहर पर भारत सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, भारत को बड़ा झटका लगा है और इस झटके के साथ कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। तो रणदीप सुरजेवाला ने बकायदा ट्वीट किया, देखिए मेरे पीछे आप रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट भी देख रहे होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर क्या कहा है, देखिए, आज फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को चीन पाक गठजोड़ ने आघात पहुंचाया है। 56 इंच की हक लॉजी और झूला झूलने के खेल के बाद भी चीन पाकिस्तान का जोड़ भारत को लाल आंख दिखा रहा है। एक बार फिर एक विफल मोदी सरकार की विफल विदेश नीति उजागर हुई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भारत चाहता है कि मसूद अजहर घोषित हो जाए ग्लोबल आतंकी, इसे समझिए। भारत सरकार पिछले कई सालों से मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील कर रहा है, लेकिन हर बार उसे चीन बचा लेता है। आपको बताते हैं कि अगर मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित हो जाता तो क्या होता। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के बाद मसूद अजहर किसी भी देश में यात्रा नहीं कर पाता। पूरी दुनिया में मसूद की संपत्तियां जब्त कर ली जाती। मसूद किसी भी देश से हथियार नहीं खरीद पाता और सबसे बड़ी बात, इसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुलकर मसूद अजहर का बचाव नहीं कर पाता। जिस मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने में चीन ने अड़ंगा डाला है वो है कौन, ये भी देखिए। मसूद के गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी है। पाकिस्तान के बहावलपुर में रहने वाले मसूद अजहर का नाम पहली बार 1999 में सुर्खियों में आया था जब कंधार विमान हाईजैक कांड में भारत सरकार ने उसे रिहा करके बंधकों को छुड़वाया था। तब से मसूद भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है।
मसूद अजहर पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के पीछे मसूद का ही दिमाग था। 2001 में संसद पर हुए हमले में भी मसूद का हाथ सामने आया था। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए भी मसूद जिम्मेदार है। 2016 में उरी में आर्मी कैंप पर हमले के पीछे भी मसूद अजहर था। पिछले महीने पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर है। आपके जहन में सवाल आता होगा कि क्यों बार बार चीन मसूद अजहर पर वीटो लगाता है, पाकिस्तान के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए, हम चाहते हैं कि आप वो देखें ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएं कि क्यों चीन अड़ंगा लगाता है एशिया में भारत से मुकाबला, और OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में चीन को भारत की जरूरत है। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश कर रखा है और वो नहीं चाहता कि इस पर कोई भी आंच आए। चीन ने पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स पर 3,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया खर्च किया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर सीपैक में चीन करीब 4,00,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है। पाक में पंजीकृत विदेशी कंपनियों में सबसे ज्यादा 77 चीन की हैं। मुस्लिम देशों के संगठन में पाक चीन की हमेशा मदद करता है, उसका साथ देता है। चीन को भारत अमेरिका की दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मसूद जैसे मुद्दे में उलझना उसका मकसद है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू, चीन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भारत में शरण को लेकर हमेशा से चिढ़ता आया है, इसीलिए आतंक के मुद्दे पर भारत का साथ कभी नहीं देता।